14 सरकारी कंपनी का हाईएस्ट डिविडेंड न्यूज लगा रहा हूं, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। पहली कंपनी आईटीडीसी डिविडेंड देगा 2.20 रुपया। भारत डायनामिक डिविडेंड देगा 1.20 रुपया प्रति शेयर। सेल इंडिया डिविडेंड देगा 50 पैसा प्रति शेयर। कोचिन शिपयार्ड डिविडेंड देगा 3 रुपया प्रति शेयर एक्स डेट 21 सितंबर। SJVN डिविडेंड देगा 62 पैसा प्रति शेयर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बोनस देगा 1:4। RVNL डिविडेंड देगा 36 पैसा एक्स डेट 20 सितंबर है। PTC इंडिया डिविडेंड देगा 7.80 रुपया एक्स डेट 20 सितंबर। ड्रग्स सी बिल्डर्स इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और कई बैंकों सहित 20 से ज़्यादा सरकारी सेक्टर की कंपनी यानी कि PSU में फिलहाल केंद्र सरकार की अतिरिक्त हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये है। अतिरिक्त हिस्सेदारी का मतलब उन कंपनियों से है जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा होती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के कम से कम पब्लिक होल्डिंग मापदंडों का पालन करने के लिए प्राइवेट और PSU दोनों कंपनियों को प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% या उससे कम की जरूरत होती है। CNBC TV 18 ने 28 जुलाई को इसके बारे में बताया था और तब अतिरिक्त हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये थी। इसका मतलब है कि PSU के शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी शेयर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते केंद्र सरकार की अतिरिक्त हिस्सेदारी में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। CNBC TV 18 कैलकुलेशन के अनुसार 15 सितंबर को इन कंपनियों के बंद भाव के अनुसार 21 कंपनियों में अतिरिक्त हिस्सेदारी का मूल अब 1.86 लाख करोड़ रुपये है। इन 21 कंपनियों में 9 ऐसी कंपनियां हैं जहां सरकार की हिस्सेदारी 90% या उससे ज़्यादा है। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में अतिरिक्त सरकारी हिस्सेदारी की वैल्यू 15 सितंबर के क्लोजिंग प्राइस के मुताबिक लगभग 90,000 करोड़ रुपये थी। केंद्र सरकार ने 2022 में भारत के सबसे बड़े IPO में सिर्फ 3.5% हिस्सेदारी बेची थी, जिसके बाद उसके पास 96.5% हिस्सेदारी बची थी। LIC के शेयर फिलहाल अपने IPO की वैल्यू 949 रुपये से काफ़ी नीचे है। मंझगांव डग शिप बिल्डर्स सरकार के पास अभी भी मंझगांव डग शिप बिल्डर्स में 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, जिनमें इस साल अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डर कंपनी के शेयर में 2023 के दौरान लगभग 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है और फिलहाल वह रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। सरकार के पास अभी भी मझगांव डॉक में 84.8% हिस्सेदारी है, जहां उसकी अतिरिक्त हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 4,000 करोड़ रुपये है। मझगांव डॉक IPO 2020 में 144 रुपये के इशू प्राइस पर जारी किया गया था, जिसमें सरकार 15.7% हिस्सेदारी बेची थी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी सरकार की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा है। IRFC की स्टॉक वैल्यू उसके 26 रुपये की IPO वैल्यू से लगभग 3 गुना बढ़ी है। सरकार के पास अभी भी कंपनी में 11% के ज़्यादा हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू लगभग 10,150 रुपये है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी SJVN जैसे स्टॉक भी लिस्ट में शामिल है, जिनकी वैल्यू लगभग 2 गुनी हो गई है। कंपनी में अतिरिक्त सरकार की हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपये का है। बामर लायर इन्वेस्टमेंट डिविडेंड देगा 33 रुपया प्रति शेयर। बजाज होल्डिंग डिविडेंड देगा 110 रुपया प्रति शेयर। वेदांता डिवेंचर की मीटिंग है 21 सितंबर को। डिवेंचर मीटिंग 21 सितंबर को सबसे पहले चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर